क्या है कि आदमी ने एक फीलिंग आए कि मैं 5 रुपए देते हैं, मैं 5 रुपए देकर के जरिए कि पार्टी का मेंबर बने। एक कॉपी के बीच 100 स्लिप है, मेरा 100 मेंबर बन के बने। फॉर्म है ठीक है जी, इस फॉर्म के बीच जी है इस पीयूष साहब जी कल गया आज मैं पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता हूँ, प्रोविंशियल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एंड इंचार्ज मेंबरशिप ड्राइव। जैसे हमारी पार्टी जो है बहुत देर से जो है वो मैं इस मेंबरशिप ड्राइव के सिलसिले में जो है काम कर रही थी, तो मुझे एक्सक्लूसिवली जो है हाई कमांड के अपने अल्ताफ़ बुखारी साहब के ऑर्डर्स थे कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जाकर के मेंबरशिप ड्राइव को जो एक्सपेडाइट करना है। इसी सिलसिले के अंदर जो है मेरी अभी रजौरी में जो है डिस्ट्रिक्ट लूरो में भी मीटिंग हुई है और रजौरी डिस्ट्रिक्ट में भी मीटिंग हुई है और मैं आज जो है यहाँ पूंछ पहुँचा हूँ। तो यहाँ मेंबरशिप ड्राइव को लेकर के यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब के साथ और जितने भी हमारे यहाँ के मेंबरान हैं सभी के साथ जो है एक थर्ड वेयर जो है डिस्कशन हुई है कि हम कैसे जो है मेंबरशिप ड्राइव को जो है मैक्सिमम स्पीड अप जो है कर सकते हैं। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेंबर्स का अपडेट होना, उनका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंबरशिप होगी और हमें अपडेट होगा पूरा मेंबर्स का, पार्टी जो है वो स्ट्रेंथन होगी। तो इसी सिलसिले में जो है मैं कहूँगा कि और भी रिव्यू हुआ है जो पार्टी की जो है जो यहाँ कार्यगुजारी है जो है उसके ऊपर भी डिस्कशंस हुई हैं और जो आजकल के जो प्रॉब्लम्स जो लोगों को जो जो यहाँ पे फेस कर रहे हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन हुई है और मुझे पूरा यकीन है कि श्याम मोहम्मद तांतर साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं वो बखूबी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही अच्छा काम कर रही है और आने वाले दिनों में आप देख ही लेंगे कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का परचम जो है हर जगह लहराएगा। असल में हमारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी डॉक्टर गुप्ता साहब यहाँ तशरीफ लाई थी और हमने बाज़ाब्ता तौर पर मेंबरशिप का आगाज़ किया है ज़िला पुंछ में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का। तो ये बड़ी खुशी की बात है, हम ये जस्ट वांट टू कन्वे द मैसेज टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हमारी स्टेट जो है, कि ये बड़ी खुशाइन बात है, बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में पिछले 75 साल में पहली बार एक साफ शफाफ क़यादत सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब की शक्ल में उनकी सूरत में आवाम को मिली है। आवाम से ये गुजारिश है कि वो पहले जज्बात के नहरों में बहती रही, जज्बात के नहरों में बहते हुए अपने फ्यूचर को अपने हाल को तबाह किया। तो आज ज़रूरत है कि इस अंधेरे में अगर कोई रोशनी की किरण है तो वो सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब हैं जो एक साफ शफाफ शख्सियत देकर चल रहे हैं, उनकी साफ छवि है, वो सभी को जोड़ कर चल रहे हैं। और मैं बार बार कहता रहा हूँ कि 2018 में एक वक्त ऐसा भी आया था जब एक कॉलिशन 3 जमातों की बनने जा रही थी, कांग्रेस, PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो उस वक्त ये हमारी जो कायदीन हैं, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब हों, महबूबा मुफ्ती साहिबा हों, गुलाम नबी आज़ाद साहब हों, तो उन्होंने बैठ के ये यूनानी मसले ये फैसला किया था कि ओनली एंड ओनली सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब हैज़ गॉट द कैपेबिलिटीज़ टू लीड द स्टेट और कॉलिशन को भी लीड करें, चीफ मिनिस्टर बने, चूँकि उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, वज़ीर PWD बन के, वज़ीर ख़जाना बन के, वज़ीर तालीम बन के, और उन्होंने वो जो छाप छोड़ी है, जब यहाँ PWD मिनिस्टर बने तो उसके बाद साथ साथ वो चेयरमैन थे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड पुंछ के, तो उन्होंने ही यहाँ पे मैग्नमाइजेशन की थी। आज जो बुरा हाल आप सड़कों का देख रहे हैं, आपको याद होगा कि 2015 से 2018 तक यहाँ पे वैसी सड़कें लोगों को मिली थी जो जिसका ख्वाब भी नहीं लोग समझ सकते थे। उन्हीं की वजह से यहाँ 400 किलोमीटर रोड को मैग्नमाइज किया गया, साफ शफाफ सड़कें मिली, उसके बाद डाबेलों को अपग्रेड किया, उसके बाद हायर एजुकेशन में जब वो मिनिस्टर बने तो उन्होंने उनकी काविशों से
जो मैंने अपनी रुदाद रखी थी एज एम एल ए, तो आई गॉट डिग्री कॉलेज फॉर मंडी, तो उसमें भी उनकी बड़ी काविशें थी। तो वो एक साफ शफाफ शख्सियत है। मैं आवाम से ये गुजारिश करूँगा कि बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए सैयद अल्ताफ बुखारी साहब के हाथों को मजबूत करें, इसमें जोग दर जोग इस पार्टी में शामिल हो जाएं, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन कास्ट कलर। तो इसमें हमारी मुस्तकबिल जो है उसमें हमारी मुस्तकबिल की बेहतरी उसी में है। वो जो एक मकसद लेकर चले हैं, जिन्होंने ये आज तक कोई लीडर मुझे बताएं कि किसी ने गरीबों की बात की हो, तो ये वाहिद सैयद अल्ताफ बुखारी साहब हैं जो एक मकसद लेकर चले हैं कि अगर उनकी गवर्नमेंट आई, उनकी जमात को मिली हुकूमत, तो वो गरीबों अमीरों जितने भी लोग हैं हमारे राज्य जम्मू कश्मीर के 500 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो पेंशन है, जो बुढ़ापा पेंशन है या विडो पेंशन है, उसमें 1000 के बजाय 5000 रुपये वो मंथली देंगे उनको। उसके बाद ये कहा कि जो भी बच्चियाँ इस वक्त शादी के काबिल हैं उनके घरों में उनकी शादियों से पहले 1,00,000 रुपए पहुंचाया जाएगा। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हर घर को 4 सिलेंडर मुफ्त हर साल में दिए जाएंगे। तो ये हकीकत है, ये गमाज है उस दर्द का जो छुपा हुआ है सैयद अल्ताफ बुखारी साहब के दिल में गरीबों के तई। आज जब आप देख रहे हैं कि आप जब स्मार्ट मीटर की बात हो रही है, लोगों को सताने की बात हो रही है, बिजली पे टैक्स की बात हो रही है, पानी पे टैक्स की बात हो रही है, हत्ता कि सांसों पे टैक्स की बात अब सोची जा रही है, तो उसमें अगर अंधेरे में कोई रोशनी की किरण है वो सैयद अल्ताफ बुखारी साहब हैं। तो मैं आवाम से गुजारिश करूँगा कि जो आज ड्राइव हुई है पूरी रियासत जम्मू कश्मीर आवाम अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए आप जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल हों और सैयद अल्ताफ बुखारी साहब के हाथों को मजबूत करें उसी